हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी लाइक घर पे कोई नहीं है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू। भले आप इंजीनियर हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं तो हूँ। लेकिन हाँ, हैप्पी इंजीनियर्स डे। और क्या बोलूँ यार, इंजीनियरिंग कुछ भी कहो, इंजीनियरिंग जीना सिखा देती है ना। इंजीनियरिंग टीचेस अस हाउ टू लिव योर लाइफ। इंजीनियरिंग आप सब कुछ कर लेते हो, इंजीनियरिंग करते हो तो वो बात सच है। और इंजीनियर कभी इंजीनियर नहीं बनता, वो भी बात सच है। इंजीनियर कुछ अलग ही करते हैं क्योंकि उनको कॉपरेट समझ आ चुका होता है, कॉपरेट कैसे वर्क करता है, हाउ 9 to 5 जॉब विल अफेक्ट यू योर लाइफ, कैसे ट्रैवलिंग होगा सब कुछ। तो लाइक बस वही है, और बस वही बैठे अभी और कुछ नहीं गए सुबह से। एक्चुअली कैसा है कि प्रोजेक्ट्स बहुत है और समझ में नहीं आ रहा नेक्स्ट वीक तक सब प्रोजेक्ट सबमिट करने के, और प्रोजेक्ट पता ही नहीं क्या करने गए। तो सैटरडे संडे जो लगने वाले गए। और अभी एक वीडियो रिलीज़ किया, चैनल टंकर है वाइंस पे। और बस वही बात थी गई, और कुछ बात तो है नहीं। और जो है वो है अभी, लाइक अभी प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो कैसे करें। लाइक क्योंकि कैसा है कि सेमेस्टर 19 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट ऑफ सेमेस्टर एंड, फिर छुट्टी है, फिर हम लोग को लाइक पूरा छुट्टी है। और तब तक हम लोग को सबमिट करने का, आज है सितंबर 15, 15 बस गए, 30 ही दिन बाकी है। और 31st लाइक 34 दिन डेज ही बाकी है। और उसमें सब कुछ करने के, सब कुछ लाइक उसमें ही हो रहा है। हम लोग का एक FM का हो गया, मॉड्यूल 6 ख़त्म हो गया। हम लोग सोच रहे हैं मॉड्यूल 6 खत्म, ऐसे हम लोग सिर्फ हम लोग उस वो लेक्चर में सिर्फ 4 ही लोग बैठे, 5 ही लोग बैठे थे। और आपने देखा लास्ट, अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो पता होगा कि सिर्फ 5 लोग बैठे थे। और उसमें सर ने हम लोग को बोला कि है लाइक हो गया तुम लोग का, और हम लोग ऐसे शॉक हो गए। एंड बस गाइस, क्योंकि अभी 34 डेज के अंदर फिर दिवाली की छुट्टी आएगी, फिर लास्ट सेम खत्म, इंजीनियरिंग खत्म। अरे बाप, लास्ट सेम अप्रैल तक खत्म हो जा रहा है ऐसा बोल रहे, और मई में अप्रैल तक तो सब कुछ खत्म। और दैट्स एंड, दैट्स इट, और फिर खत्म इंजीनियरिंग। वी आर इंजीनियर्स, ओ माय गॉड, 20 साल में इंजीनियरिंग खत्म। घर पे कोई नहीं लगा, देख सकते हो पूरा लाइफ कोई है ही नहीं घर पे। और पूरा मैं अभी जैसे वो लैपटॉप पे देख रहा था, लाइक वीडियोस अपलोड कर रहा था। और देखते हैं गाइस अभी क्या सीन है, समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। व्हाट सीन चल रहा है गाइस, गाइस लाइक आई डोंट नो लाइक क्या होगा, लेकिन मज़ा आ रहा है। कुछ ना कुछ तो धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जब आप जब दुनिया से कुछ अलग काम करते हो ना, तब बात लगती है गाइस, बहुत बात लगती है यार। ऐसा लग रहा है कि चाय की दुकान खोल लो, यूट्यूबर चाय वाला। मजा अच्छा, 3 काम हो जाते हैं इससे गाइस। कैसा होता है यूट्यूबर चाय वाला, ये नाम से 3 चीज़ हो जाती है। एक तो चाय बेचते हो, आपको बिजनेस लोगों को समझ में आएगा कि ये चाय बेचता है, एक हो गया। सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए, लोगों को नाम से बिजनेस समझ में आना चाहिए, तो एक चीज़ हो गई चाय वाला मतलब यूट्यूबर। सेकेंड चीज़ ये होगी कि लोग चाय वाला सर्च करेंगे कि कौन है यूट्यूबर, कौन है यूट्यूबर, तो आपका नाम भी होता है, जैसे आपका नाम भी होता है, रेस होता है। और कैसा होता है कि लोगों को बिजनेस पता होता है, लेकिन बिजनेस ओनर का पता ही नहीं होता। लाइक फेसबुक है तो हम लोग की सब मम्मी पापा फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन उनको मार्क जुकरबर्ग का नहीं पता होगा, बराबर के नहीं। तो ऐसा होता है, तो एक इससे यूट्यूबर चाहिए। और ये आइडेंटिटी भी हो जाएगी, और एक होगा कि यूट्यूबर कौन है, ये यूट्यूब कौन सा चैनल है उसका, है ना, तो वो एक क्लिक होगा दिमाग पर। तो परफेक्ट नाम है, मैं सोच रहा हूँ चाहिए चालू कर दूँ, देखते हैं। बहुत कुछ दिमाग है ना, बहुत लाइक आप इफ़ यू आर गिविंग अ चांस टू लाइफ, तो लाइफ बहुत कुछ रास्ता खोल देती है। आप अगर एक एक ही उसमें चले जाओगे कि हाँ भाई मैंने 10th किया, अभी 12th करूँगा साइंस में, फिर साइंस का इंजीनियरिंग करूँगा, तो आप अपनी लाइफ को बांध रहे हो उधर, वो हमको पता नहीं चलता। तो इंजीनियरिंग के बारे में नहीं, अगर इंजीनियरिंग के जॉब करूँगा,
जॉब के बाद कोई बोलता है 1 साल के और मैं मास्टर्स करूँगा, मैं गेट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, झुकेगी ही नहीं, रुकेगी ही नहीं कभी भी। तो लाइक नहीं करना है वो सब, तो बन सॉरी मैं थोड़ा वो दिमाग मेरा वो ऐसा लग रहा है इंटरव्यू दे रहा हूँ लाइक वो बस गाइस और कुछ है नहीं, ऐसा है तो देखते हैं। बहुत आइडिया बहुत ज़्यादा है और मेन तो यूट्यूब पे ही फोकस है अभी, देखते हैं गाइस। एंड वेल एंड ऑल ऑफ यू अ हैप्पी इंजीनियर्स डे। मैं जो दिवाली बोलने वाला था क्योंकि सिर्फ 35 डेज बाकी है ना, तो उसमें सब कुछ टक 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 करके होने वाला है सब कुछ। और सेम चालू होता है कब खत्म होता है पता नहीं चलता, वैसा ही हुआ है। और क्योंकि हम लोग कॉलेज भी नहीं जा रहे, 47% अटेंडेंस, तो वो भी ओवरऑल एक एक सब्जेक्ट करने लगे तो खत्म 16-16% ही है। तो इधर ही एंड कर रहा हूँ, हैप्पी इंजीनियर्स डे बाय। कल देखते क्या होने वाला है, अभी कल सबमिशन है तो देखते हैं गाइस। बाय।